हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग भाई? होपफुली सारे बढ़िया होंगे। तो भाई बहुत ही तगड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए। इन्फॉर्मेशन क्या है भाई कि बिग बॉस के जो टॉप थ्री बंदे हैं, जैसे मनीषा रानी, अभिषेक मलान एंड राव साहब एल्विश यादव। तो भाई मनीषा रानी का गाना आ चुका है जमुना पार, तो हमने देखा भाई बहुत सक्सेस मिल रही है गाने को, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं। बट अभी जो अभिया के फैन हैं वो उसके नीचे जाके हेट कर रहे हैं। और उसके बाद जो भाई फुकरा इंसान भाई का गाना था अभिषेक मलान का जिया शंकर के साथ, तो उसके नीचे अभिषा जो फैंस हैं वो जाके मतलब हेट दे रहे हैं और काफ़ी मतलब रोनचड़ीस चल रही है। और अभिषा जो अभिया के फैंस हैं वो बोलते हैं कि अभिषा के साथ अभिषेक गाना नहीं करेगा, मनीषा के साथ नहीं गाना करेगा क्योंकि वो उसकी बहन है या वो। तो भाई फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभिषेक ने अनाउंसमेंट कर दिया है, आपको वीडियो में इसमें टैग कर दूं, आप देखना कि अभिषेक ने अपनी तरफ से अपना पर्सनल गाना भाई मनीषा के लिए टैग कर दिया है, देना है मनीषा को गाना और मनीषा के साथ गाना बनाएगा। तो जो भाई जो भी पोस्ट के नीचे कमेंट कर रहे थे बंदे, वो उनको देख लेना चाहिए भाई ये वीडियो में, ये वीडियो आप देख सकते हो। तो मनीषा जिया के साथ तो आगे आपका प्रोजेक्ट मनीषा के साथ कब आने वाला है? तो बेसिकली मनीषा को एक गाना ऑफर कर दिया गया है हमारी टीम की तरफ। अच्छा, से आपने कर दिया? और वो मेरा खुद का गाया हुआ गाना है। okay. और दिस इज लाइक वो गाना मेरे दिल के बहुत क्लोज है, तो आई होप उनकी टीम उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर ले और हमारा प्रोजेक्ट शुरू। और भाई जो तीसरी भाई बहुत तगड़ी वाली इन्फॉर्मेशन है वो है मिस्टर राव साहब एल्विश यादव की तरफ से, और उनका गाना 14 सितंबर को आ रहा है। हम तो दीवाने गाने का नाम है और प्ले DMF देसी म्यूजिक फैक्ट्री की तरफ से भाई ये गाना आ रहा है। और साथ में कौन है? साथ में है उर्वशी रौतेला। तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उर्वशी रौतेला ने कल एक स्टोरी शेयर करी थी भाई, स्टोरी में ये था कि वो भाई यादव ब्रांड 2 तेरे शहर में है रुकावा जय राव साहब का वो गाना लगा के, और उसके लिरिक्स याद कर रही थी। तो मुझे ये लग रहा था कि शायद वो वाला गाना आ रहा है, मे बी वो वाला गाना भी आए, या आई डोंट नो उसमें क्या करा है क्या नहीं करा, बट वो लिरिक्स याद कर रही थी, पूरे लिरिक्स पढ़ रही थी ऐसे। यादव ब्रांड 2 लिखा हुआ था, उसके फ़ोन में फ़ोटो थी और लिरिक्स पढ़ रही थी, और एल्विश यादव को टैग कर रखा था कि मतलब लिरिक्स याद कर रही हूँ मैं अपने हीरो के लिए, एल्विश यादव के लिए। तो ये काफी बढ़िया चीज हो रही है, काफी मजेदार चीजें हो रही हैं, और मतलब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। आप लोग एक्साइटेड हो इस चीज के लिए नहीं हो, या क्या चल रहा है भाई आप लोगों के दिमाग में, आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताना। और जितने भी अभिया के फैंस हैं भाई, मैं अभिया के छोड़ो और सिर्फ जिया के जो फैंस हैं, जो मतलब ज़बरदस्ती नाम जोड़ना चाह रहे हैं भाई अभिषेक के साथ, तो भाई ऐसा मत करो यार। क्यों किसी और को तुम नीचा दिखा रहे हो, मनीषा को तुम नीचा दिखा रहे हो? मनीषा इज़ अ गुड गर्ल, मनीषा अपनी मेहनत से इतनी ऊपर तक पहुंची है, मनीषा ने बहुत बेकार दिन देखे हैं, अभी उसके अच्छे दिन आए। तो तुम लोगों को क्या भाई आपत्ति है, क्या मतलब प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारी लाइफ में ऐसी कि तुमको ये सब करना पड़ रहा है? तुम नीचे हेट वाले कमेंट दे रहे हो, अरे नहीं वो उसकी बहन है, उसके साथ ऐसे गाना नहीं बना सकते। ये भाई कहाँ लिखा है, कहाँ लिख के दिया है? वो अपनी स्टोरी लगाती है तब भी दोस्त लिखती है उसको, वो फ्रेंड है, बहन ऐसे किसी को भी हम बोल देते हैं, बट अगर किसी के साथ हमको काम करना पड़े तो हम काम करते हैं भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि यार कि तुम काम करना छोड़ दोगे मनीषा के साथ। मनीषा के साथ क्यों नहीं काम करेगा भाई कोई बंदा, क्यों काम करना नहीं चाहेगा कोई बंदा भाई? दिस इज नॉट गुड थिंग। मेरी तरफ से तो भाई फुल ऑन हाथ खोल के एक्सेप्ट करूंगा मैं अभिषा को, अभिषेक प्लस मनीषा को हाथ खोल के एक्सेप्ट करूंगा। और एल्विश यादव का जो 14 सितंबर को गाना है, तो भाई हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है एल्विश आर्मी को, एल्विश आर्मी फुल आपको भाई सपोर्ट करेगी। और भाई रिकॉर्ड सेट करने हैं 14 सितंबर को, ऐसे तगड़े रिकॉर्ड, एक दिन में 10 मिलियन ठोक देना है भाई गाना, तो मजा बांध देना है। और पता चलना चाहिए कि राव साहब आ चुके हैं तेरे शहर में है रुकावा जर राव साहब का छोरी साहब का, भाई मजे बांध देना। थैंक यू सो मच भाई वीडियो देखने के लिए, पूरे मजे करो, और आपको इन सब चीजों में मैं टैग कर दूंगा। थैंक यू सो मच भाई। यस।